हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, यहाँ हम सारे सब्जेक्ट जिनमें से बेसिकली मैथ्स और इंग्लिश खासकर, और कुछ जीएस के टॉपिक जो स्टैटिक जीके के पार्ट है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आज जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी किताबें, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उस तरीके पे हम बात करेंगे, है ना। तो यहाँ हम सारी चीजें मैथ्स से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर करेंगे, और फिर जो है अपना शुरू करेंगे आज का जो टॉपिक होगा हमारा उसको, है ना। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की, तो लगभग लगभग सेम सिलेबस सेम ही होता है। किसी में एक चैप्टर कम, किसी में एक में ज्यादा, इस तरीके से रहता है। बस ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते, है ना। तो यहाँ जो आपके क्वेश्चन है, अगर मैं प्री की बात करूँ, तो प्री का सिलेबस ये है आपका। प्री में जो है आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं सीरियल में। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 50 मार्क्स का जो है आपका प्री का एग्जाम होता है ना। तो और 0.5 की वहां नेगेटिव मार्किंग होती है, ये कहानी होती है। इसी तरीके से हमें, जैसे यहाँ लिखा हुआ टॉपिक्स के नाम क्या क्या होगा, उसमें होल नंबर्स होंगे आपके, डेसिमल्स होंगे, फ्रैक्शंस होंगे, और रिलेशन बिटवीन नंबर्स होगा। ऐसा कहिए कि ये नंबर सिस्टम का एक पूरा चैप्टर आपको मिलेगा वहां। नंबर सिस्टम एक टॉपिक रहेगा, परसेंटेज आपको एक टॉपिक रहेगा, प्रतिशत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा, है ना, स्क्वेयर रूट्स रहेंगे, एवरेज रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, है ना। इंटरेस्ट में आपके दोनों आ जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, डिस्काउंट हो सकता है ना, और पार्टनरशिप हो जाएगा। बिजनेस में जो पार्टनरशिप होती है उसी की बात हो रही है। मिक्सर एंड एलिगेशन हो जाएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो जाएगा आपका, टाइम एंड वर्क हो जाएगा, बेसिक अल्जेब्रिक आइडेंटिटी हो जाएगा, अल्जेब्रा हो गया आपका, है ना, और इंडेक्सेस एंड सर्ट्स भी हो जाएगा आपका एक चैप्टर वहाँ। लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ग्राफ्स की ट्राइंगल हो जाएगा, तो सेंटर हो जाएंगे जो आपके सर्कल के अंदर हैं, ट्रेंगल के अंदर बनने वाले, कॉन्ग्रेंसी हो जाएगा, सिमिलरिटी हो जाएगा, सर्कल्स और कोर्ड्स, ये सारा बेसिकली क्या है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये आपका प्री के एग्जाम का सिलेबस है ना। प्री में होता क्या है, प्री में बेसिकली आपसे थोड़ा सा बेसिक की तरफ ही ज्यादा रहता है, कि अगर मैं 25 क्वेश्चन को कहूँ तो 15 क्वेश्चन बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे रिपीट ही हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर पे पूरा फोकस रखा जाता है, उसी के हिसाब से इनको रखा जाता है। अगले 5 क्वेश्चन में क्या होता है, अगले 5 क्वेश्चन में थोड़ा सा चीजों को बढ़ा के लिखता है ना, कि जैसे पहले सिंपल पूछा गया होगा तो थोड़ा सा उसको बढ़ा के चीजें, और लास्ट के 5 क्वेश्चन जो होते हैं ये थोड़े ठीक होते हैं, जिनमें आपको थोड़ा सा अच्छी नॉलेज होगी, तभी आप इनको वहाँ टाइम में कर पाते हैं। तो देखो दिक्कत क्या है प्री के एग्जाम में, दिक्कत ये है कि वहाँ आपको सिर्फ 60 मिनट मिलते हैं, और इन 60 मिनट में आपको क्या करना होता है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना होता है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको इस तरीके से चीजों को डिवाइड करना है कि आपको एटलीस्ट क्या मिले, 28 से 30 मिनट हमेशा मैथ्स या के लिए बच जाए आपके पास, तभी आप जो है अच्छे से अपना पेपर करें, कि बाकी के पोर्शन जितने भी हैं आप 25 से 30 मिनट के बीच कर पाए, और फिर यहाँ 30 मिनट या फिर 28-30 मिनट आपके पास रहे ऑन एन एवरेज, तो ही आप जो है अच्छा कर पाएंगे वहाँ, और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आसानी हो जाती है ना। तो प्री का एग्जाम हुआ तो लगभग सिलेबस सेम ही है, चेंजेस कहाँ है। मेंस में जो आपके चेंजेस हैं, देखो वहां भी मेंसुरेशन है, यहाँ भी है, तो आपको ध्यान रखना कि सारे लगभग सेम है। मेंसुरेशन वहां भी था, ज्योमेट्री, अल्जेब्रा, फंडामेंटल्स, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, वो सारी चीजें, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे वहां भी थे, यहाँ भी है। इसके अलावा थोड़ा सा चेंजेस मिलता है हमें स्टैटिक, स्टेट्स और प्रोबेबिलिटी में, ये 2 चैप्टर अलग से आपके ऐड होते हैं यहाँ जो आपको करने होते हैं। इसके अलावा बाकी सब सेम रहेगा, प्रीलिम्स और मेंस में दोनों चीजें सेम है ना। बढ़ जाते हैं आगे इसके, और इसमें क्या क्या होता है देख लो, यहाँ टेबल्स और ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीग्राम, डायग्राम, पाई चार्ट, ये सब आपको पढ़ना आना चाहिए, और फिर इनको मीन, मोड, मीडियन, ये सारी चीजें आपको, डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज, ये सारी चीजें आपसे वहां पूछेगा। तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं कह सकता हूँ जो ऐड हुआ है आपके, सिर्फ मेन्स एग्जाम में आएगा, प्री में क्वेश्चन आने के चांस कम है, क्योंकि प्री में जो है सिलेबस में इसको डिस्कस नहीं करा गया। तो ये तो हुई सिलेबस की बात, कैसे करेंगे उस पर बात कर लेते हैं एक बार। देखो जरा यहाँ क्या है, सबसे पहला जब भी आपको करना होगा मैथ्स, मैथ्स बड़े काम की चीज है, और इसको आपको अच्छे तरीके से करने के लिए कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला काम जो आपको पहला काम है वो होना चाहिए कि आप सबसे पहले क्या करें, अपने कैलकुलेशन पे काम करें। कोई ट्रिक नहीं सीखनी है आपको, कोई ये सब फर्जी बातें हैं कि कोई बता रहे 30 सेकंड में स्केयर निकालो, ये करो, वो करो, वो सब फर्जी बातें हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अपनी चीजों पे कमांड करनी है। कमांड कैसे करनी है कि जब भी आप पढ़ने बैठो ना, तो स्टार्टिंग में हमेशा क्या करिए, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिए, है ना। कैलकुलेशन
कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, जो बेसिक चीजें हम जिस भी मेथड से आप करते आ रहे हो उसी मेथड से करिए। 5 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 5 डिवीजन कर लीजिए, 5 आप ऐड के कर लीजिए और 5 सब्सट्रैक्शन भी कर लीजिए। एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सारी चीजें करके 5 5 आप डेली करते रहिए। इसके अलावा आप याद कर लीजिए टेबल्स कि एटलीस्ट 30 30 तक तो आपको याद ही होनी चाहिए टेबल्स। टेबल्स याद करिए, पहाड़े याद करिए, स्क्वेयर याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए, है ना। ये सारी चीजें आपको याद करनी है डेली के डेली, और 5 चीजें 4 चीजें ये भी 5 5 करके आपको रोज करनी है। इससे क्या है कि आप अर्थमेटिक कर रहे हो या एडवांस मैथ कर रहे हो, करनी आपको कैलकुलेशन ही है। तो कैलकुलेशन के लिए सिर्फ इस तरीके से आप करेंगे, कोई तरीका नहीं अपनाना है, कोई भी आपको चीजें नहीं सीखनी, जो आप सीखते आ रहे हो बस ऐसा ही करना है। पहले थोड़ा चीजों की जरूरत होती थी क्योंकि पहले जो है आपके 100 क्वेश्चन आते थे मेंस में, मैथ के 200 मार्क्स का होता था। तो अब चीजें चेंज हो गई हैं, प्री में अलग हो गया है, मेंस में अलग हो गई हैं चीजें, है ना। अब क्या है, मेंस में आप 30 क्वेश्चन देखोगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 90 मार्क्स का वहां रहता है। तो 30 ही क्वेश्चन आने, चैप्टर हमारे पास 25 26 जो चैप्टर हो जाते हैं कुल मिला के 24 25, इस तरीके से उन्होंने एवरेज। तो अब आप देखोगे वहां क्या है, अब एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन उसमें मेंशन भी करा है सिलेबस में से, लगभग लगभग एक एक क्वेश्चन आ ही जाता है उन्होंने एवरेज आप बात करें। तो फिर वहां क्वेश्चन हार्ड होने के चांस कम हो जाते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, बस उनको थोड़ा कैलकुलेटिव बना देता है जिससे आपका समय खराब हो, तो आपको कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, बाकी इधर उधर की बातों पे ध्यान कम देना कि ये कर लो वो कर लो ट्रिक सीख लो, ऐसा ट्रिक व्रिक सब फेल है। क्योंकि मैंने बहुत बार दिया एग्जाम, 3 बार मैंने निकाला है, तो मुझे पता है कि ये ऐसी चीजें बिल्कुल काम नहीं आने वाली आपकी। वहां आप वहां जाके हाथ पैर फूल जाते हैं जब आपको डिवाइड करना पड़ जाता है साइंटिस्ट से और इस तरीके से, है ना। तो आपको याद रखना है, और देखो सबसे पहले काम क्या करना है, आपको कैलकुलेशन की बात हुई, उसके अलावा सबसे पहले आपको सिलेबस करना है ना। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके नोट्स बनाने हैं ढंग से, बार बार उन्हीं को रिवाइज करना है। एटलीस्ट 2 से 3 टाइम जितने भी आपने नोट्स बनाए उन्हीं को आप रिवाइज करोगे, जो जो पढ़ा आपने वो सारी चीजें। उसके बाद आप मूव करोगे किताबों पर, किताबों में कहूँ तो सबसे बेस्ट आज के टाइम पे ये किताब है ना। किताबें बहुत सारी हैं, इसके अलावा आप किरण की किताब ले सकते हो, राकेश यादव की किताब ले सकते हो। जैसे ये एडिशन जो आपको लेना होता है, बेसिकली नया लेना होता है हमेशा, नया आप लीजिए, अपडेटेड क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। और ऐसे ही क्या करना है, सबसे पहले देखो समझो, अब सिलेबस तो आपने कंप्लीट कर लिया, अब पढ़ने का तरीका जो है आपका सब आदमी का अलग अलग होता है, आपका भी अलग अलग होगा। तो ये किताब ये है, देखो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस हो गया, सिलेबस होते ही पहला काम आपको करना है कि आप क्या करिए, जो भी आपके नोट्स हैं 2 से 3 बार उनको रिवाइज करिए। रिवीजन का भी अलग अपना अपना तरीका होता है, आप मैं कहूंगा सबसे पहले आप सारे क्वेश्चन को लगाएं 2 से 3 बार, बस यही खत्म कर दें। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का समय लगाएं, इससे ज्यादा वेस्ट मत करें, जल्दी जल्दी करके इसको सुलटा के एक तरफ हो जाए। फिर आती है प्रैक्टिस की बात, और सबसे बड़ी सिरदर्दी आज के टाइम पे यही है। सबसे बड़ी सिरदर्दी इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे पेशेंस नहीं है, है ना। ऑनलाइन वाले ठग बैठे ही हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, कहेंगे कि प्रैक्टिस बैच ले लो, ये ले लो, वो करा दूंगा, ये करा दूंगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अब क्या है, ओवर गाइडेंस होने की वजह से, ओवर मटेरियल आपके पास होने की वजह से ठीक ठीक चीजों का आपको पता नहीं है कि कैसे एग्जाम को निकालना है, कैसे चीजें करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जब आप अपना सिलेबस कर रहे हैं सबसे पहले आप जाइए चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे किसी बुक में पहला नंबर सिस्टम अगर चैप्टर है तो सबसे पहले आप इसी को कंप्लीट करिए। तो फर्स्ट टाइम ऐसे ही जाएंगे, मान लो दूसरा चैप्टर हमारा वहां लिखा हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो दूसरे चैप्टर में हम ये करेंगे। इसी सिक्वेंस को फॉलो करते हुए हमारा जितने भी हमने पढ़े हैं उस सिलेबस को यहाँ से प्रैक्टिस करिए, है ना। जितना भी इस किताब के अंदर दिया हुआ है सारे क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए, आराम आराम से करिए। अब क्या करना है, जब आप पहली बार कर लो तो ऐसा पॉसिबिलिटी होगी, जब आप पहली बार करो पहली बार कोशिश करना कि पूरे सारे ही क्वेश्चन उसके लगा डालो। जब आप सेकंड टाइम करो ना तो ऐसा करना कि कई क्वेश्चन जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे थे ना तो फर्स्ट टाइम आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो देखते ही बन गए होंगे, बहुत आसान लग रहा होगा कि अगर वो बाद में भी आपके सामने कभी आया तो आप उसको कर लोगे, ऐसा नहीं होगा बहुत समय आपको लगेगा। तो क्या करना है, यहां ध्यान देना कि जिस क्वेश्चन में आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे थे तो आइडिया हो ही जाएगा, या तो होगा ही नहीं या टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा होगा, तो आपको जब आप सेकंड टाइम जाओगे तो जो पहले ही बार देखते ही एकदम आंखों से देखा स्टेटमेंट पढ़ा, आपको लग रहा है कि ये ऐसे ऐसे करके हो जाएगा खत्म, बस इसमें कुछ है नहीं। तो आपको क्या करना है, सेकंड टाइम जो टाइम कंज्यूम आपका कर रहे थे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा समय जिनको करने में लग रहा था, सेकंड टाइम में
उनके ऊपर स्टार लगाना है कि जैसे फर्स्ट टाइम हो गया, फर्स्ट टाइम वाला क्या करना है कि ये फर्स्ट टाइम में फंसा था, जब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था उसके ऊपर फर्स्ट लिख लो कि जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो फर्स्ट टाइम मुझे इसको टाइम लगा था, और सेकंड टाइम फिर इन्हीं क्वेश्चन को करना जो आपके फंस रहे हैं। समझ आई बात? कि फर्स्ट टाइम पूरा करना है मैथमेटिक्स जितना भी है, और उसमें निशान लगाते हुए आपको चलना है चैप्टर वाइज में कि ये वाला जो है आपका फंस रहा है। और यहाँ जब आप करोगे फर्स्ट टाइम जो भी आपने डाउट लिखा या जिसमें टाइम कंज्यूम हो रहा था, उन्हीं उन्हीं को फिर से आप चैप्टर वाइज करिए एक बार, और उसको चैप्टर वाइज करिए। अब जहां आपको यहाँ समय हो सकता है 2 से 2.5 महीने आपको लग रहे हो, यहाँ आपका इसमें 1 महीना हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही फिर तीसरी जो आएगी, तीसरी बार में क्या करना है, यहाँ ऐसा हो सकता है कि दूसरी बार में भी कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं बने होंगे। अब आपको चैप्टर वाइज नहीं चलना, आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि हमारे मैथ्स में 25 चैप्टर हैं, तो इनको डिवाइड कर लीजिए 8 8 और 8 में, है ना, इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं या 9 कर लेंगे हम मान लो। तो इस तरीके से आप करिए कि यहाँ 8 चैप्टर के हम लेंगे, और जो भी क्वेश्चन मेरे टाइम कंज्यूमिंग सेकेंड टाइम में भी थे, इन्हीं को हम क्या कर रहे होंगे, वापस कर रहे होंगे। इन 8 चैप्टर में मान लो आपके ऑन एन एवरेज आपको 50 क्वेश्चन लेके चलने हैं, 50 क्वेश्चन तो हों तीसरी में, या फिर 50 प्लस भी आप चल सकते हो, कोई 70 करेगा, कोई 80 करेगा, इस तरीके से। और इसी तरीके से फर्स्ट डे ऐसे करना है, सेकंड डे ऐसे करना है, थर्ड डे ऐसे करना है, 3 3 दिन में आप पूरा मैथ्स जो है आपका रिवाइज होता चला जाएगा, सारी चीजें आपने जितनी पढ़ी वो रिवाइज हो जाएंगी। इसी तरीके से करना है, फर्स्ट टाइम जो फंसा वो सेकंड टाइम में लेना है उसको, उस पर ज्यादा मेहनत करनी है दोनों बार यहाँ चैप्टर वाइज। और तीसरी बात यहाँ क्या चलना है कि यहाँ सारे चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना है, जितने 25 चैप्टर मान लेते हैं कि हैं, तो इस तरीके से 8 8 9 8 चैप्टर के जितने भी आपके सेकंड टाइम में करने में टाइम कंज्यूम हो रहा था उनको पहले करना, इस तरीके से करके आपको अपना सिलेबस बार बार रिवाइज करना है। जब आप ऐसा कर लें, तीसरी बार आपका हो जाए, आपको लग रहा है कि अगर नहीं इंप्रूवमेंट लग रहा है, तो फोर्थ टाइम भी आप क्या करिए, एक बार लगा डालिए उस पर, थर्ड टाइम का जो है आपका टैग लगा दीजिए क्वेश्चन के ऊपर, एक बार कर लीजिए। फिर आएंगे हम किस पे, मॉक पे, कि फिर क्या करना है, फिर आपको रोज मैथ्स रिवाइज नहीं करना। मॉक में जो जो चीजें आपकी फंस रही है, मान लो आपने पढ़ा अच्छे से करा हुआ है टाइम एंड वर्क, जैसे ही मॉक में क्वेश्चन आया या वो नई टाइप का आया, इस तरीके से मान लो ऐसा आ गया कि उस टाइप का आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था कभी, वो टाइप ना सर ने पढ़ाई ना आपने कभी पढ़ी ना देखी कहीं क्वेश्चन में, तो ऐसा करिए उसको सीख लीजिए और अपनी एक मॉक की जो है कॉपी लगा लीजिए नोट्स की, उसमें इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, उसका सॉल्यूशन सीखिए और अपने तरीके से उसको 2 3 बार जो है उसको करके देख लीजिए, है ना। इसी तरीके से आपको करना है कि यहाँ हो सकता है कि मान लो मॉक टेस्ट आपने लगाया, ऐसा हो सकता है कि यहाँ एक चैप्टर है एलजेब्रा, और वो एलजेब्रा हर बार आपसे गलत हुआ, आपके क्वेश्चन वहां सही नहीं हो रहे, तो क्या करिए, जाना है अपने नोट्स पे और नोट्स को क्या कर देना है, वापिस से सारे अलजेब्रा के रिवाइज करके फिर यहीं आना। तो इस तरीके से आप करोगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आप लगे रहिए इसी तरीके से करते रहिए, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपके मार्क्स कटेंगे ही नहीं, है ना। ऐसा मत मान के चलिए कि 30 के 30 ही सही करके आने हैं, हमें ये सब फ्रॉड बातें हैं कि हम 30 के 30 सही करेंगे, जो हो पा रहा है वहां जिस समय में हो पा रहा है वो सबसे अच्छा है, आपको अपना पेशेंस रखना है सारी चीजों का, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कई बार, ये मैंने देखा है कि जब हम मान के चलते हैं कि मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है तो मैं सारे के सारे करूंगा, और वहां सारे के सारे हो भी नहीं पाते हैं, तो आपको वही मानना है कि जो जो होगा अच्छे से होगा, वो सारी चीजें हम कर लेंगे। तो सबसे पहले करेंगे सिलेबस खत्म, मैं भी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करके अपना सिलेबस खत्म कर दें, जब तक आपका एग्जाम हो सारी चीजों की प्रैक्टिस शीट मैं आपको दे दूँ टेलीग्राम पे, तो उस तरीके से, है ना। अभी हमने शुरू करा है तो चीजें जोड़ने में अभी समय लगेगा, धीरे धीरे सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक सिस्टमेटिक वे से हम पढ़ेंगे, आपको वैसे ही करना है, जो जो काम दिया जाए, जो होमवर्क दिया जाए, जो चीजें बताई जाए कि आज ये कर लेना आपको करना है डेडिकेटेड होके, तो एग्जाम बहुत आसान है। तो ये कहानी है बस एसएससी को निकालने का, यही एक फंडा है सबसे ज्यादा, है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे, मैं कहूंगा आपका सिलेबस भी हो जाएगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, और ऐसे फर्जी बातों में ना फंसे कि पेड कोर्स ये वो सब, है ना। अगर ऐसा ही होता तो बहुत ज्यादा चीजें इजी हो गई होती, तो नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि भाई ओवरबर्डन हो गया चीजों का, आपको एक लिमिटेड सी चीजें पकड़ लेनी है और उन्हीं के साथ जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाना। तो धन्यवाद, शुरू करेंगे आज का चैप्टर थोड़ी देर बाद, अगले नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम से हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले नंबर्स के जानेंगे, और फिर जो धीरे धीरे, है ना, हम अपने एक तरफ एडवांस और एक तरफ अर्थमेटिक ऐसे ही आगे चीजें को बढ़ाते रहेंगे और अपना सिलेबस कर लेंगे। तो धन्यवाद, बने रहिए।